Hello dear students, welcome to this 10th lecture and third unit of management. Before I start this unit, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed in the previous unit, that is unit 2. So in the previous unit, we have discussed about process management, where we learned about evolutions of management, then various definitions of management, concept of management, and also learned about levels of management, administration and management, scientific management of given by F.W. Taylor, that is Frederick Winslow Taylor, then principles of management and 14 principles of management given by Hoyle, and functions of management, that is planning, organizing, directing and controlling. Today we would discuss about definitions and steps of organization under unit 3. Okay, so let us start with learning outcome of this session. Okay, so at the end of this session or this unit lecture, you will be able to explain the terms organization, then define the organizational management, then list the steps of organization, and finally you will be able to explain the steps of organization. So let us start with the meaning and definition of organization. What is organization? So an organization is a consciously coordinated social unit. Okay, organization is, that is the consciously coordinated social unit composed of two or more people that functions on relatively continuous basis to achieve the common goals or set of goals. यानी एक संगठन दो या दो से अधिक लोगों से बना एक सचेत रूप से समन्वित सामाजिक इकाई है जो सामान्य लक्ष्य या लक्ष्यों के सेट को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करता रहता है यानी वर्किंग कंटिन्यूअली और कंटिन्यूअस बेसिस टू अचीव द कॉमन गोल्स और सेट ऑफ गोल्स. ओके, दूसरे दो तीन डिफिनेशन जो छोटा छोटा है आप देख सकते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर. यह ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो एक लोगों का समूह है जो एक साथ काम करते हैं. सेकेंड है ए ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म ए बिजनेस क्लब एटसेट्रा टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव ए पार्टिकुलर एम. ना, कोई भी पार्टिकुलर उद्देश्य को, कोई ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए सेट किया जाता है. थर्ड जो है दूसरे तरीका से दिया गया कि ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर दैट इनेबल लिविंग थिंग्स टू वर्क इफेक्टिवली टुगेदर. या एक स्ट्रक्चर है जो कि लिविंग थिंग्स को योग्य बनाता है एक साथ काम करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन दो दस ऑर्गेनाइजेशन इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन्स united to achieve any task. यह जो organization यानी जो संस्थान है, जो संगठन है, वह एक बड़े समूह के व्यक्तियों का एक समूह है, बहुत लोगों के एक समूह है जो कि किसी पार्टिकुलर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए united होता है, जहाँ पे लोग united होते हैं. It is concerned with building, developing, maintaining a structure of working relationship to accomplish the objectives of the enterprise. Okay, तो कहता है कि ये क्या करता है कि वहाँ जो भी स्ट्रक्चर है ना, उन उस जो पार्टिकुलर प्लेस है, वहाँ लोग सारे लोग जो है इकट्ठा होकर और जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए वो काम करते हैं. इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज पूलिंग ऑफ ह्यूमन फिजिकल स्पिरिचुअल रिसोर्स एंड स्पिरिचुअल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड टास्क. यानी जो भी पहले से पूर्व निर्धारित टास्क है उसको प्राप्त करने के लिए यह मानव संसाधन, फिर जो फिजिकल रिसोर्सेज और स्पिरिचुअल रिसोर्सेज, इन सभी साथ को एक साथ लाता है. कुछ डिफिनेशंस हैं, उनको हम देखते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉइस ए एल एन, ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन and grouping of activities to be performed and dividing them among the individuals and creating authority and responsibility among them for accomplishment of organizational objectives. यानी कि
इनका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये है कि जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हम काम को आइडेंटिफाई करते हैं, देन ग्रुपिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, जो भी वर्क परफॉर्म करना उसको हम एक एक ग्रुप में 1 2 3 4 5 करके बनाते हैं, देन डिवाइडिंग देम अमंग द इंडिविजुअल, किस वर्क को कौन इंडिविजुअल करेगा, कौन व्यक्ति करेगा, उनके स्किल उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं, देन क्रिएटिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद हम उनको पावर देते हैं और उसके साथ साथ उत्तरदायित्व भी देते हैं ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जा सके। ओके क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उन सभी का लक्ष्य एक ही होता है और सब लोग एक लक्ष्य की तरफ वर्क करते हैं, और सभी जब ग्रुप एक्टिविटी हमारी सारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा तो ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी लक्ष्य प्राप्त होगा। ओके नेक्स्ट दैट इज द थियो हेमेंस कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंटायर प्रोसेस एंड एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम, यानी ऑर्गेनाइजिंग कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑफ द इंटायर प्रोसेस, जो फुल प्रोसेस है उसको जो है कि उसको डिफाइन करना और उस एक्टिविटीज को ग्रुप करना, ये भी वही बात करते हैं कि उसको ग्रुपिंग करना एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम, और उसके बाद जो है कि एक रिलेशनशिप स्थापित ऐसा करना कि लोग उसमें रहकर कुछ प्रोडक्शन का यानी कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाए, तो इस तरीके से हेमन ने इसको डिफाइन किया है, establishing entire authority and relationship among them. Okay, what is organizational management? अब ये क्वेश्चन आता है कि यदि आपको पूछे दो लाइन में इसका एग्जाम्पल की ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट क्या है? सो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग द रिसोर्सेज एंड मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल, यानी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जो है कि प्रक्रिया है स्ट्रक्चर उसका तैयार करने का, प्लानिंग करने का और नियंत्रण करने का, ताकि डायरेक्टिंग द रिसोर्सेज एंड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का संसाधन है और उसके जो जो मेंबर्स हैं उनके उनको जो है कि डायरेक्टिंग करना, उनको निर्देशित करना, ताकि हमारे संस्थान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, उस ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अब स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन या स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं इसको हम देखते हैं, देयर आर वेरियस स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन इन द इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स, so these steps are as follow, so now we can explain one by one, so first step is that is the determination of objectives, yani pehla step ye hai ki jab hum koi organization khada karte hain first karte hain ki bhai hame karna kya hai, hum uska objective ka nirdharan karte hain na, determination of objective, so identification of the objectives before starting any activities and help the management in selecting द मैन एंड मटेरियल, ये कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी जब हम ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं तो स्टार्टिंग से पहले एंड एनी एक्टिविटीज हेल्प द मैनेजमेंट इन सेलेक्टिंग द मैन एंड मटेरियल, और ये जो ऑब्जेक्टिव हमें किस तरह के आदमी को लेना है, कैसा मटेरियल लेना है, इसका सलेक्शन में हमें मदद करता है, ऑब्जेक्टिव सर्व एज गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मैनेजमेंट के लिए और साथ ही साथ वर्कर के लिए भी एक गाइडलाइन का काम करता है कि भाई किसका सिलेक्शन करना है, किस मटेरियल का सिलेक्शन करना है, किस अमाउंट में करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, इसलिए पहले फर्स्ट जो स्टेप है वो डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड इज डिसाइडिंग वेरियस एक्टिविटीज, सेकेंड जो स्टेप है कि भाई क्या क्या हमें करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में करनी है, उसको एक्टिविटीज को पहचानना, सो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस सब फंक्शंस एंड फर्दर सब फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाई इंडिविजुअल, यानी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो हम उद्देश्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं उसको डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, देन सब फंक्शन में, और अकॉर्डिंगली
फिर हर इंडिविजुअल को असाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है उस पर्टिकुलर फंक्शन को. सो द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड और स्पेशलाइजेशन एटसेट्रा आर फॉलोड. और जब हम जब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं एक्टिविटीज को, एक्टिविटीज वन, एक्टिविटीज टू, एक्टिविटी थ्री करके, तो उसके बाद जो स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल है वो फॉलोड होता है. इसलिए फॉलो होता है कि हमने एक टाइप की एक्टिविटीज को एक जगह रख दिया और सेकेंड टाइप की एक्टिविटीज है उसको सेकेंड ग्रुप में रख दिया. तो इससे ये मालूम हो जाता है कि जो एक्टिविटीज वन है उसके लिए इस पार्टिकुलर बंदा उसमें काफी स्पेशलाइज्ड है, वो उसके लिए बेटर होगा. ओके, उसी प्रकार सेकंड पॉइंट के लिए कौन ज्यादा बेस्ट होगा. सो दिस अवॉइड डुप्लीकेशन, कंफ्यूजन एंड वेस्टेज ऑफ मैन, मशीन, मनी एंड मटेरियल. तो इससे क्या होता है कि इस सब के डुप्लीकेशन यूज से और इवन मशीन और मटेरियल के वेस्टेज से भी हमें निजात मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड और डिपार्टमेंटेशन. सो वंस वर्क डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटी, देन दोज एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप टूगेदर. एक बार आपने वर्क को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट में, देन अब जो जैसा कि मैंने जस्ट अभी बताया कि सिमिलर एक्टिविटीज को वन ग्रुप में, अनदर सिमिलर एक्टिविटीज को सेकेंड ग्रुप में, ऐसे कर दिए, देन सेट द इट सेट स्पेशलाइजेशन ना. यानी जब आप यही नहीं कि आप डिवाइड कर दिए, इसके बाद आप उसको डिपार्टमेंट या जो एक्टिविटीज है उसको ग्रुपिंग कर दीजिए. जब ग्रुपिंग एक्टिविटीज को कर दिए तो उसके बाद जो स्पेशलिस्ट है उस पार्टिकुलर ग्रुप में वर्क करने वाला उसको उस ड्यूटी को असाइन किए. सो दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन. तो डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुपिंग प्रोसेस है यहाँ इसको हम डिपार्टमेंटेशन कहते हैं. और इससे क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट को एक टाइप का काम दिया गया है, तो इससे वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाता है, जो कि मैनेजमेंट का मूल डिफिनेशन है. देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी. सो इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशंस एंड अकॉर्डिंगली एलोकेट वर्क टू वेरियस एम्प्लॉइज. ना पहले तो हमें ये चीज है कि जरूरत है कि वर्क जो डिफरेंट जॉब पोजीशंस हैं उसको डिफाइन करें कि उसका वर्क क्या होगा, नेचर ऑफ जॉब क्या होगा, ठीक ना. देन अकॉर्डिंगली एलोकेट वर्क टू वेरियस एम्प्लॉइज, और फिर उसके बाद उसको हम जो जॉब है उसको आवंटित करेंगे, जो कार्य है उसको हम देंगे. सो वंस डिपार्टमेंट हैव बीन फॉर्म्ड ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल. जब डिपार्टमेंट बन गया तो हर डिपार्टमेंट को हम एक इंडिविजुअल को उसका चार्ज हम दे देंगे. एंड जॉब आर देन लोकेटेड टू द मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस टू दियर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. अब उसके बाद बन गया, अब हम जॉब उसमें लोगों की जो कॉम्पिटेंसी है, जो उनकी योग्यता है, उसके जो स्किल है उसको ध्यान में रखते हुए हम उनको जॉब प्रोवाइड करेंगे, उसको वर्क प्रोवाइड करेंगे. और इट इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस दैट ए प्रॉपर मैच इज मेड बिटवीन नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. और इससे ये हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल की जो एबिलिटी है और नेचर ऑफ जॉब, जब दोनों में प्रॉपर मैच होगा तो प्रोडक्टिविटी हायर होगी. So the work must be assigned to those who are best fitted to perform it well. तो ये ध्यान रखना होगा कि वर्क उसी को असाइन करना होगा जो किसी पार्टिकुलर वर्क को करने के लिए बेस्ट फिटेड है और का सुटेबल पर्सन है. यानी राइट पर्सन के हाथ में राइट वर्क होना चाहिए, तभी जाके इफिशियंटली और इफेक्टिवली वर्क हो पाएगा. देन डेवलपिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. सो इट इज नेसेसरी दैट क्लियर नो टू whom he is accountable. पहली चीज ये है कि ये आपको जान लेना होगा कि आपको किसके प्रति उत्तरदायित्व रहना है, किसके प्रति आपकी जवाबदेही है. सो अथॉरिटी इज व्हाट. सो अथॉरिटी इज पावर एंड राइट टू गिव ऑर्डर. सो अथॉरिटी इज द राइट टू सुपीरियर फॉर डायरेक्टिंग द एक्शन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट टू एक्सट्रैक्ट द वर्क गिवेन टू देम स्मूथली एंड एफिशिएंटली. यानी कि ये जो है कि अथॉरिटी एक कह सकते हैं कि ये पावर है जो कि आपके सुपीरियर को दिया गया है कि आपके द्वारा किए गए कार्य को वो मॉनिटर करेंगे और उसको निर्देशित करेंगे.
ताकि जो है कि जो वर्क है वो इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली हो सके। यदि एग्जांपल इसका देखें तो हमारे प्रिंसिपल साहब इसमें आएंगे, उनको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है, पावर दी है टू पार्टिकुलर यानी दिस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया को स्मूथली रन कराने के लिए। इसके लिए वो क्या करेंगे कि अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, जो जो भी जैसे लेक्चरर हुए, इंस्ट्रक्टर हुए एंड अदर इम्प्लाई इन फोर्थ ग्रेड, तो उनको हमेशा वो डायरेक्शन देंगे, मॉनिटर करेंगे कि वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है कि नहीं, स्मूथली हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के को। सेकेंड पॉइंट दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर इट। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ डेलीगेटेड ड्यूटीज, यानी कि जो भी आपको डेलीगेटेड कर्तव्य है, जो भी आपको ड्यूटी दी गई है, उसको निष्पादित करने के लिए उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जवाबदेही है। और ए सुपीरियर इज ऑलवेज अकाउंटेबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स एंड देयर फोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज फॉलोड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है। ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज फॉलोड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। तो जो भी जो है कि अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ हिज सबॉर्डिनेट, यानी जो सुपीरियर है वो क्या उनके अधीनस्थ काम कर रहे हैं, उनके लिए जवाबदेही उसके पास है, जो सुपीरियर है उसके पास। यानी यहाँ क्या काम हो रहा है, यदि विभाग की जवाबदेही है, किसी की बनती है, तो ये यहाँ के प्रिंसिपल की बनेगी कि व्हाई नॉट द टीचिंग इज गोइंग इफिशियंटली और इफेक्टिवली एंड और एज फॉर द रूटीन्स। ओके, तो ये सारी चीज ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनके जो है कि अपने सबॉर्डिनेट के प्रति जवाबदेही होती है। देन एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब यहाँ हुआ कि जो भी जो एक क्या बोलते हैं, किसके प्रति आपकी जवाबदेही होगी ये आपको जानना होगा। मेयरली अलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ ना, सिर्फ काम आपको आवंटित कर दिया गया इससे ही काम नहीं चलेगा। सो ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो फ्रॉम होम ही और सी हैज टू टेक ऑर्डर। हर व्यक्ति को, हर व्यक्तिगत को कि उनको जानना है कि हमें किससे ऑर्डर लेना है एंड टू होम ही और सी इज अकाउंटेबल, और किसके प्रति उनको जवाबदेह रखना है कि इनको जवाबदेही है। सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप हेल्प टू क्रिएट ए हायरार्कियल स्ट्रक्चर एंड हेल्प इन कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट वेरियस डिपार्टमेंट। और ये द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप, ये इस तरीके से आपको जब क्लियर पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी जवाबदेही इनके प्रति है, ये हमारे हॉस्टल के इंचार्ज हैं, ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, तो इनके प्रति हमारी जवाबदेही, हम इनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उस ये चीज़ जो है कि आपको क्लियर कट जो है होनी चाहिए कि हमें किससे आदेश लेना है, किनके आदेश का पालन करना है और किनके प्रति हमारी जवाबदेही है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द प्रोवाइडिंग फिजिकल फैसिलिटीज एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट। सो फिजिकल फैसिलिटी इंक्लूड्स टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा, वेयर एज राइट इन्वायरमेंट मीन्स द प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन, कूलिंग, हीटिंग अरेंजमेंट्स एट वर्क प्लेस, रीजनेबल आवर्स ऑफ वर्क, रेस्ट हाउस, हाउस कीपिंग, सेफ्टी अरेंजमेंट, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फेक्शन। सो दीज आर द फैक्टर्स विच प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट एट द वर्क प्लेस। तो आपको पहले ये चीज होनी चाहिए जो फिजिकल फैसिलिटी क्या है, टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज। और राइट एनवायरनमेंट के लिए वहाँ प्रॉपर लाइट की व्यवस्था है कि नहीं, वेंटिलेशन है कि नहीं, कूलिंग हीटिंग का अरेंजमेंट क्या है, वहाँ ये फिक्स है कि नहीं, कितने घंटा काम करना है, कितना आराम करना है, देन हाउस कीपिंग, हाउस की सुरक्षा, आपकी जो है कि अरेंजमेंट ऑफ सेफ्टी अरेंजमेंट, और जो है कि जो कि सुरक्षा की व्यवस्था है कि नहीं वहाँ, देन जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, ऐसा नहीं कि आज कर रहे हैं कल हमारा जॉब सिक्योर नहीं है, जॉब सेटिस्फेक्शन जो उस जॉब में लोग लगे हैं वो सेटिस्फाई हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ की लोग इफिशियंटली और इफेक्टिवली वर्क कर पाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस प्रोसेस इज
preparation of organization chart. So preparation of organization chart shows the formal organization structure. कि ये बताता है कि हमारा जो organization का structure किस प्रकार है. And it shows the formal superior subordinate relationship, that is who supervises and control to whom. Yani ये clear cut आपको जो map रहता है, जो organizational chart रहता है, उससे ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है और इसमें जो जो सुपीरियर हैं, सबॉर्डिनेट्स, उनके बीच किस तरीके का रिलेशनशिप है, कौन कौन क्या देखते हैं और किन किनका किनके ऊपर कंट्रोल है. उसके बाद जो है कि आपको यहाँ एक कुछ असाइनमेंट दिया गया है, असाइनमेंट फॉर सेल्फ असेसमेंट. तो आप इस लेक्चर के बाद आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से आप कितना कर पा रहे हैं इसको. तो और यहाँ पे कुछ ग्लॉसरी भी दे रखा है मैंने, तो इसको आप देख सकते हैं यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखें, तो इस लेक्चर में आज के हम लोग फर्स्ट तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि दस इन दिस सेशन वी हैव लर्न अबाउट organization, then definition of organization and organizational management. Okay, moreover we have also discussed about various steps that is need to be taken in the process of organization. Jaise steps manage sara discuss kiya ki kon kon se steps hain organization ko process mein, theek na, organization preparation karne ke liye. Then finally जो क्वेश्चंस है वो दिए गए कि आपको कुछ असाइनमेंट सेल्फ असेसमेंट के लिए और रेफरेंसेज है कि कहाँ कहाँ आप जो है कि पढ़ सकते हैं यदि आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो. सो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन करेंगे. सो इसी के साथ इस लेक्चर का अंत करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे. ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस.